जय हिंद दोस्तों। नेस्को लिमिटेड जो स्मॉल कैप का स्टॉक है और 501 नंबर पर रैंक करता है, इस स्टॉक के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। एंड स्टडी शुरू करने के पहले एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, और वो अपडेट है ये। 11 अप्रैल 2021 हमने स्टडी की थी स्टॉक उदयपुर सीमेंट स्टॉक के बारे में, वीडियो नंबर 264 आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। एंड ये जो अपडेट है, मुझे हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य है दिनेश जी, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है कि ये जो वीडियो में हमारा टारगेट था 25, 27, 30 या जो रेंज थी, उस रेंज का एग्जैक्ट जो ऊपरी एरिया था उसको ब्रीच कर दिया है स्टॉक ने। एंड मैंने चेक किया है, आज से 2 सेशन पहले ही मतलब इस रेंज को ब्रीच किया है 17 जून को। सो जिनके भी पोजिशन थी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मार्केट 3-4 दिनों से वॉलेटाइल है, प्लीज़ आप अपनी अगर प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिएगा। ट्रेल का मतलब ये होता है स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज करते जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टारगेट बताता हूँ स्टॉक पे क्या है। स्टॉक देख लीजिए किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए जो मतलब पैटर्न पहले चल रहे थे ना, कर्व बनाते बनाते ही ऊपर जा रहा है, उसी तरह से स्टॉक अभी भी काम कर रहा है। एंड स्टॉक के लिए जो रेजिस्टेंस बन गया है ना अभी, वो क्या है, अब तक की हाइएस्ट क्लोजिंग, और हाइएस्ट क्लोजिंग स्टॉक ने क्या दी थी, 29.65, ये वाला दिन 15 जून, जी हाँ 29.65। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेसिक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, 29.65 यहाँ पर लिख देता हूँ। कहाँ पर है ये, ओके आ गया 29.65, इस पर ध्यान दीजिएगा 29.65। इसके ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तब नई तेज़ी आएगी। एंड नई तेज़ी वो कहाँ तक जाएगी, किस रेंज तक जाएगी, स्टॉक जा सकता है 32.5 से लेके 35.5, यहाँ तक स्टॉक जाता हुआ देख सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। बट मार्केट हो गए हैं वोलेटाइल, पोजीशंस पे ध्यान रखिए एंड स्टॉप लॉस जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ऊपर की तरफ रिवाइज कीजिए, या फिर पहले की पोजीशन है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए। जी हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस डे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए। अब नेस्को के बारे में स्टडी करेंगे। मार्केट कैप 3,924 करोड़, स्टॉक की पी 23, 52 वीक लो 419 रुपये और 52 वीक हाई 640 रुपये। कंपनी करती क्या है वो भी शॉर्ट में देख लेते हैं। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लाइसेंसिंग प्रमाइसेस को लाइसेंस कराते हैं, आईटी पार्क है, बिल्डिंग्स है, उससे रिलेटेड सर्विसेज है, लाइसेंसिंग प्रमाइसेस एग्जीबिशंस के लिए, प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर टू ऑर्गेनाइजर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स एंड कैपिटल इक्विपमेंट एंड प्रोवाइडिंग हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये कंपनी का बेसिक कारोबार है। अब क्वार्टरली नंबर्स को चेक कर लेते हैं, जब काम की चीज़ उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 4 क्वार्टर का चेक करेंगे, जून 2020 में था 50, फिर सेप्टेम्बर में 36, फिर हो गया 53 एंड फिर गिरावट आई 48। आगे पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 64, फिर हो गया 41, फिर बढ़त आई 63 एंड फिर गिरावट आई 49। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट जून 2020 में था 51, फिर गिरावट आई 32, फिर बड़ा उछाल 49 एंड फिर से गिरावट 40। अर्निंग्स पर शेयर 7.28 था, 4.61 हो गया गिरावट, फिर से उछाल 7 एंड फिर से गिरावट 5.64। सो नंबर्स में क्या देखने मिल रहा है, नंबर्स पॉजिटिव है बट नंबर्स जो है आंख मिचौली खेल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं एक क्वार्टर नीचे आ रहे हैं, इस तरह से कामकाज चल रहा है। आगे बैलेंस शीट, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी, बढ़िया बात। एंड 1,822 करोड़ के एसेट्स है कंपनी के पास, और प्रमोटर होल्डिंग 68.54, विदेशी संस्था है 2.14, घरेलू संस्था है 5.29 और पब्लिक के पास 24.04% की होल्डिंग। सो प्रमोटर होल्डिंग जो है सबसे पॉजिटिव बड़ा पॉइंट अब तक मुझे यही लग रहा है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है बहुत ही बढ़िया है। बाकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, नंबर जो है पॉजिटिव है, वायरस नंबर जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब आँख में चौली खेल रहे हैं, एंड कर्ज नहीं है बिल्कुल कंपनी के ऊपर, प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़िया है। अब चार्ट पैटर्न पे जाएंगे एंड यहाँ पर मैं चार्ट लगा देता हूँ, उदयपुर सीमेंट का जो डाटा था उसको मैं सेव कर देता हूँ। आप भी tradingview.com पे जो भी काम करेंगे उसको जो है आप सेव कर सकते हैं, फिर अगली बार आपको जब भी देखना है आप जाके उसको रिविजिट कर सकते हैं। अब ये मैंने लगा दिया नेस्को का चार्ट, और नेस्को का चार्ट ये है, इस तरह से कुछ काम कर रहा है और देखने मिल रहा है ये। अब स्टॉक पिछले कुछ महीनों में किस तरह से काम कर रहा है उस पर ध्यान देंगे। यहाँ देखिए स्टॉक ने अपनी कर्व पैंट को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया एक, फिर यहाँ पे पैटर्न खत्म करने के बाद सॉर्ट ऑफ एक बॉटम लगाने के बाद यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे स्टॉक ने एक नए ट्रेंड की शुरुआत की, देख लीजिए एक नए ट्रेंड की शुरुआत की यहाँ पे, ठीक है, नया ट्रेंड, स्टॉक ऊपर की तरफ निकला। फिर यहाँ पे और आगे जाएंगे, स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया, देख लीजिए स्टॉक ने एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न को अपनी कंप्लीट कर दिया यहाँ पे।
और आगे जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया देख लीजिए, यहाँ पे स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकला। एंड ऊपर किस तरह निकला, ऊपर जो है एक ही चैनल में निकला। जी हाँ, ऊपर की तरफ एक ही चैनल में धीरे धीरे करके ऊपर निकला। यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं कर देता हूँ सेट। ओके, एक ही चैनल में धीरे धीरे करके ऊपर निकलने की कोशिश की स्टॉक ने। एंड फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा रेंज बाउंड हुआ, थोड़ा उछाल मिला, फिर से अभी नीचे आ रहा है क्योंकि मार्केट में 3-4 दिनों से मतलब माहौल सही नहीं है एंड नीचे का रास्ता बहुत सारे स्टॉक्स ने लिया है। अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे इन द कमिंग डेज। ऊपर की तरफ स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, और वो बनने वाला है ये अब तक की जो हाईएस्ट क्लोजिंग है वो है 14 जून 2021 को स्टॉक की मिली है, दैट इज 574.9। यस, इस पे ध्यान दीजिएगा, तकरीबन 575 इंपॉर्टेंट हर्डल स्टॉक का है एंड इसके बाद ही तेजी का नेक्स्ट राउंड शुरू होने वाला है, तो इसको सबसे पहले ध्यान में रखिए 575। एंड इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक लेवल लिख देता हूँ सबसे पहले 575। इसके ऊपर स्टॉक निकलेगा तब बात बनेगी। एंड हम जो है यहाँ पे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जी हाँ, ट्रेडिंग पोजिशन बनानी है कुछ दिनों के लिए उसकी बात कर रहे हैं। 575 पे फोकस कीजिए, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। एंड इसके ऊपर स्टॉक निकलेगा तो कहाँ तक जा सकता है, सबसे पहला लेवल मतलब लेवल तो नहीं, जिस रेंज में स्टॉक जा सकता है 600 से लेके 630, यहाँ तक स्टॉक जा सकता है। एंड ये जो पोजीशन होगी इस पे स्टॉप लॉस क्या लगाना है, स्टॉप लॉस का लेवल आपको स्ट्रिक्टली बता दूं, स्टॉप लॉस का जो लेवल आपको फॉलो करना है वो है ये 540 रुपये। ये सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा बेस बना दिया स्टॉक ने 540 का, यहाँ पे इसको नीचे इसको तोड़ नहीं रहा है पिछले दिनों में, एंड इसको निकाल देता है तो प्लीज़ निकल जाइएगा बिकॉज माहौल और बिगड़ सकता है और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, शर्त ये 540 को स्टॉक ने क्लियर किया तो। एंड यहाँ पर अगर और फोकस करेंगे तो देखने क्या मिल रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल की जो पैटर्न होती है स्टॉक प्रेजेंटली उसमें काम कर रहा है एंड कोशिश करेगा आगे जाके नैरो रेंज में मतलब ब्रेकआउट करने की। एंड 575 इस पर ध्यान रखिए, उसको निकालता है तो 600-630 के आसपास स्टॉक जा सकता है। एंड आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो दोस्तों, ये है बेसिक सिंपल सरल भाषा में एनालिसिस नेस्को लिमिटेड के बारे में। 575 फोकस कीजिए, 600-630 आएंगे, नीचे निकलता है 540 तो वहाँ से निकल जाइए। एंड आपकी पोजीशन बनाने के बाद नॉट ओनली दिस स्टॉक, किसी भी स्टॉक में अगर स्टॉक ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है तो आपको जो स्टॉप लॉस है उसको रिवाइज कीजिएगा ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ लेते जाइएगा। जैसे अभी 556 पे आपने खरीदा और स्टॉक और नेक्स्ट डे स्टॉक अगर बंद होता है 560 तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 560। एंड समझो फिर स्टॉक नेक्स्ट डे क्लोज हुआ 570 एंड फिर 580 की तरफ गया तो स्टॉप लॉस हो जाएगा 570। उस तरह से स्टॉप लॉस जो है उसको ऊपर की तरफ रिवाइज करते जाइएगा, या फिर सिंपल लॉजिक है प्रीवियस डे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए, दैट्स इट। अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए, बिकॉज मैं नहीं चाहता आपने जो पैसे कमाए हो उसको आप गवा दो, बिकॉज पैसे कमा के गवाना सबसे खराब फीलिंग है एंड मैं नहीं चाहता किसी को भी ऐसी फीलिंग मतलब महसूस हो। ओके, एंड वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।